शुक्रवार को साओ पाउलो के पास एक दुखद विमान हादसा हुआ जिसमें 62 लोगों की जान चली गई। क्षेत्रीय टर्बो प्रॉप विमान ATR-72 जो पराना राज्य के कार्किवेल से साओ पाउलो के ग्वारुल होस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था, अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विहेंडो के पास वेलिनहोस शहर के स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि विमान में सवार सभी 58 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य इस हादसे में मारे गए। यह दुर्घटना एक रिहायशी क्षेत्र के पास हुई जिसमें एक घर को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि घर में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एयरलाइन कंपनी वोपास लिहांस एरियाज ने एक बयान जारी करते हुए इस घटना की पुष्टि की है। हालांकि दुर्घटना के कारणों की जांच अभी जारी है। स्थानीय टीवी स्टेशन ग्लोबो न्यूज ने इस हादसे की फुटेज प्रसारित की जिसमें विमान को तेजी से नीचे गिरते हुए और दुर्घटना स्थल से धुएं का गुब्बार उठते हुए देखा जा सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा जो दक्षिणी ब्राजील में एक कार्यक्रम में मौजूद थे ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से एक मिनट का मौन रखने का आग्रह किया। इस दुखद घटना ने पूरे देश को शोक में डाल दिया और अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।